आज हम बनाएंगे एक नए तरीके से मार्केट जैसा ढोकला घर पर ही बहुत आसान तरीके से। 2 कटोरी बेसन लिया है मैंने। अब इसमें पानी डाल के इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, गुठलियाँ मतलब गांठ नहीं रहनी चाहिए इसमें। उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी कटोरी को ग्रीस कर लेंगे, कटोरी पे घी या तेल लगा लेंगे। कटोरी हमने ग्रीस कर ली है। अब अपने बैटर में डालेंगे हम नमक, चीनी 1 चम्मच चीनी, 3 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स होने के बाद थोड़ा फूल जाएगा। उसके बाद जो कटोरी हमने ग्रीस करके रखी थी उसमें आधी आधी कटोरी करके हम इसे भर लेंगे। किसी भिगोने में या खुले बर्तन में पानी लेंगे, पानी थोड़ा लेना है। जब वो बॉईल हो जाए उसमें स्टैंड रखेंगे और 3 कटोरी नीचे रखेंगे, उसके ऊपर एक प्लेट रख के 3 कटोरी मेरी ऊपर आती है। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। बीच में खोल के नहीं देखना है आपको। 15 मिनट हो चुकी है। अब हम देखते हैं हमारा ढोकला तैयार हुआ या नहीं। चाकू से देखते हैं, चाकू चिपक नहीं रहा, इसका मतलब हमारा ढोकला तैयार हो चुका है। अब ये कटोरी हम बाहर निकाल लेंगे भिगोने से। और ये इतना स्पंजी बना है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल मार्केट जैसा, बहुत आसानी से कटोरी से बाहर निकल रहा है। और देख सकते हैं आप कितना स्पंजी है। सारी कटोरी से ढोकला बाहर निकाल लिया है मैंने। उसके बाद एक एक करके पीस में हम काट लेंगे इन्हें। पीस में काटने के बाद किसी बर्तन में हम इन्हें रख देंगे। अब हमारा ढोकला तैयार है। अब इसका पानी बना लेते हैं। पानी बनाने के लिए आपको किसी भिगोने में या कढ़ाई में तेल डालना है, उसमें आपको राई डालनी है, हरी मिर्च डालनी है काट के, और पानी डालना है 2-3 गिलास। पानी थोड़ा ज़्यादा ही बनाना चाहिए इसका, क्योंकि पानी से इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, 1 चम्मच चीनी और नींबू का रस। अच्छे से उबाल आने के बाद इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद जो पीस में कटा हुआ ढोकला था उसके ऊपर इसे धीरे धीरे करके डालेंगे और तैयार है आपका मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी ढोकला। बाय बाय।